हेलो एंड वेलकम बैक टू द ईएलएस न्यूज। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। क्या दोस्तों, आपको बता दें कि 2023 के अंदर छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव संपन्न होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कुल विधानसभा सीटें हैं 90, जिसमें से कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन बनेगा छत्तीसगढ़ का सीएम, क्या बीजेपी मार पाएगी बाजी या INC या अन्य पार्टी में से कोई, ये तमाम जानकारी अपडेट आप सभी को इस वीडियो में जानने को मिलने वाली है। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक और पूरा जुड़ देख लीजिएगा। इसके साथ ही आपने अपने चैनल ईएलएस न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल बटन इस पर जाके क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा ताकि हर न्यू खबर से आप अपडेट रह सके इसी तरह अपने फोन पर। तो चलिए बात करते हैं छत्तीसगढ़ के ओपिनियन पोल के साथ ही कुछ से बड़ी खबरों के बारे में। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में 2023 से गरमाई सियासत। बीते 6 माह में दर्जन भर केंद्रीय मंत्रियों ने किया दौरा। या दोस्तों, छत्तीसगढ़ में अगले साल 2023 में विधानसभा चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं, इसको लेकर भाजपा और कांग्रेस के दोनों दलों में तैयारी शुरू हो चुकी है। वहीं केंद्रीय मंत्रियों ने छत्तीसगढ़ के दौरे को लेकर सियासत गरमा रही है। वहीं हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश का दौरा किया है। वहीं बीते 6 महीनों में करीब 1 दर्जन केंद्रीय मंत्रियों के दौरे पर आ चुके हैं और भाजपा इन दौरों को जरूरी करार दे रही है। वहीं कांग्रेस इसे असवाद की राजनीति बता रही है। और साथ ही आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में आने वाले साल 2023 में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले इस साल में बीजेपी के केंद्रीय नेताओं को लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा हो रहा है, जिससे सूबे की सियासत गर्मा गई है और बीजेपी इन दौरों को जरूरी बता रही है और कांग्रेस असवाद यानी कि राजनीति का नाम दे रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में बीते 6 मई में 1 दर्जन के करीब केंद्रीय मंत्रियों का दौरा हो चुका है, जिससे सूबे की सियासत गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्रियों के दौरे को सियासत के इस बात की चर्चा होने लगी है और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को अगले साल से फिर बीजेपी की सरकार इस पर जोर दे रही है। वही दोस्तों, आपको बता दें कि आपकी इनमें से फेवरेट पार्टी कौन सी है छत्तीसगढ़ में बीजेपी, INC और अन्य, उस पार्टी का नाम हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और चलिए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में 2023 की तैयारी में जुटी बीजेपी रायपुर की 4 सीटों के लिए बनाई रणनीति। वही दोस्तों, आपको बता दें छत्तीसगढ़ में बीजेपी को सत्ता वापसी के लिए बड़ी तैयारी में नजर आ रही है और बीजेपी विधानसभा स्तरीय तैयारी में जुट गई। और गुरुवार को बीजेपी के क्षेत्रीय मंत्री संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने बड़ी बैठक ली है। इस बैठक में रायपुर जिले के सभी 4 विधानसभा सीटों का एक एक करके मंथन किया गया और बैठक में जामवाल ने चारों विधानसभा के कार्यकर्ताओं को खुलकर बातचीत की और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कमर कसने को निर्देश दे चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि रायपुर के एकात्म परिसर में गुरुवार सुबह 10:30 बजे बीजेपी की बैठक शुरू हुई, जो रात को चली थी। इन बैठक में सबसे पहले रायपुर पश्चिम विधानसभा के सभी क्षेत्र, जिला और मंडल पदाधिकारियों के साथ शक्ति केंद्रों के संयोजक और बूथ अध्यक्ष को चुनाव के संबंध में जरूरी निर्देश दिए गए। इसके अलावा रायपुर ग्रामीण उत्तर दक्षिण विधानसभा की बैठक हुई। वहीं इस बैठक में कार्यकर्ताओं को चर्चा करके ये जानकारी भी दी कि उनके विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या समस्या है जिन पर आंदोलन किया जा सकता है। और वहीं आपको बता दें कि केंद्र की योजनाओं के बारे में भी बात की इस बैठक में और ये निर्धारित किया गया कि विधानसभा क्षेत्रीय मुद्दों पर आने वाले समय के कार्यकर्ताओं को आंदोलन करेंगे, आगामी चुनाव की तैयारी पूरी तरह से जुट जाएंगे और खास तौर पर चुनाव के अभियान के केंद्र सरकार के काम काज को रखा गया है। केंद्र की योजनाओं को लेकर घर घर तक बीजेपी कार्यकर्ताओं को जाने का निर्देश दिए हैं। और वहीं ये भी निर्देश दिए कि विधानसभा से ज्यादा मेहनत करेगी बीजेपी, यानी कि जो हार चुके हैं ना, वहीं शहर के 4 विधानसभा क्षेत्र में सीट में एक ही बीजेपी के कब्जे में है और रायपुर में दक्षिण और जहाँ से ब्रजमोहन अग्रवाल लगातार जीते आ रहे हैं। इसके अलावा रायपुर में ग्रामीण पश्चिम और उत्तर में बीजेपी को 2018 विधानसभा चुनाव में बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। इस बैठक में ये पहले तय किया जा चुका है कि क्षेत्र में इन सीटों को वापसी कैसे होगी, इसलिए अजय जामवाल द्वारा इन 4 सीटों पर मंथन किया जा चुका है। और दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा चुनाव अब 6 महीने बाद शुरू होने जा रहे हैं। तो वहीं आपको बता देते हैं छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो पहले जिले से शुरू करते हैं तो बेमेतरा की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और INC खाते में 2 सीटें और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ रायगढ़ की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीट जा सकती है और INC खाते में 2 सीटें और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो बस्तर में फिर से 3 विधानसभा सीटें दी गई है, जिनमें से बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और INC खाते में 2 सीटें और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है महासमुंद की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है और INC खाते में 2 और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ राजनंदगांव की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीट जा सकती है और INC खाते में 2 और अन्य खाते में 1 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही है। इसी के साथ सरगुंजा की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और INC खाते में 2 सीटें और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से हमने 24 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 11 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और INC खाते में 12 और अन्य खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है बालादाजार में 4 विधानसभा सीटें दी गई है, जिनमें से बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीट जा सकती है और INC खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बालोद की 3 विधानसभा सीटों की
बात करते हैं तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है और INC खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ सूरजपुर की 3 विधानसभा सीटों की चर्चा करते हैं तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है और INC खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ की 34 विधानसभा सीटों की चर्चा कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 18 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 15 सीटें और अन्य खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है गरियाबंद की 2 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और INC खाते में भी 1 सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ सुकमा की 1 विधानसभा सीट के बारे में बात करते हैं तो बीजेपी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है और INC खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं बात की जाए बलरामपुर की 2 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में तो बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और INC खाते में भी 1 सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों छत्तीसगढ़ की 39 विधानसभा सीटों के बारे में बात हो चुकी है, जिसमें से बीजेपी खाते में 20 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 18 विधानसभा सीटें और अन्य खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है रायपुर। रायपुर में 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती है और INC खाते में 3 विधानसभा सीटें और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ कोडगांव की 2 विधानसभा सीटों के बारे में बात करते हैं तो बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और INC खाते में भी 1 सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ जसपुर की 3 विधानसभा सीटों की चर्चा की जाए तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और INC खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 51 विधानसभा सीटों की बात हो चुकी है, जिसमें से बीजेपी खाते में 27 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 23 सीटें और अन्य खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है जांजगीर चंपा की 6 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है और INC खाते में 2 सीटें और अन्य खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ कवर्धी जिला कबीरधाम की 2 विधानसभा सीटों के बारे में बात करते हैं तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है और INC खाते में 0 सीट जा सकती है और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ कांकेर उत्तर बस्तर की 3 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है और INC खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से हमने 62 सीटों की बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 34 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 26 और अन्य खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ अगले जिले की चर्चा करते हैं तो नंदेवाड़ा दक्षिण बस्तर की 1 विधानसभा सीट की बात करते हैं तो बीजेपी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है और INC खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ नारायणपुर की 1 विधानसभा सीट के बारे में बात करते हैं तो बीजेपी खाते में 1 की 1 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही है और INC और अन्य खाते में 0-0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बीजापुर की 1 विधानसभा सीट की चर्चा करते हैं तो बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और INC खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 65 सीटों की बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 36 विधानसभा सीट जा सकती है और INC खाते में 27 विधानसभा सीटें और अन्य खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ मुंगेली की 2 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और INC खाते में भी 1 सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बिलासपुर की 7 विधानसभा सीटों की चर्चा करते हैं तो बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीट जा सकती है और INC खाते में 3 सीटें और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ दुर्ग की 6 विधानसभा सीटों की चर्चा की जाए तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीट जा सकती है और INC खाते में भी 3 सीटें और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 80 विधानसभा सीटों की चर्चा हो चुकी है, जिनमें से बीजेपी खाते में 44 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस यानी INC खाते में 34 विधानसभा सीट जा सकती है और अन्य खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है कोरबा। कोरबा की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीट जा सकती है और INC खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ कोरिया की भी 3 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और INC खाते में भी 1 सीट और अन्य खाते में भी 1 सीट जा सकती है, यानी कि मामला इक्वल इक्वल हो चुका है कोरिया में। और वहीं अगले जिले की बात करते हैं तो धमतरी की 3 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है और INC खाते में 1 सीट और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ टोटल हमने 90 विधानसभा सीटों में से 90 की बात कर ली है, यानी कि छत्तीसगढ़ का ओपिनियन पोल पूरा हो चुका है, जिसमें से ओपिनियन पोल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी खाते में 50 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 37 और अन्य खाते में 3 विधानसभा सीट जा सकती है। तो छत्तीसगढ़ ओपिनियन पोल आपके सामने पूरे हो चुके हैं और हाँ दोस्तों, आपके सपोर्ट की हमें बेहद ही जरूरत है, इसलिए शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, ताकि ये जानकारी भी जान पाए छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल। साथ ही लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लाल बटन पर जाकर क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।